नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं? बढ़िया, जबरदस्त, बिंदास, फुल जोश में, बहुत अच्छी बात है। स्वागत है सभी को, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। बहुत सारे मेरे साथी, आज भी बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया है, सभी का स्वागत है। और जिन्होंने नया नया ताजा ताजा एकदम ज्वाइन किया है कि सर जो लिखने वाले हैं ये लाइन कि सर मैंने आपके लिए ज्वाइन किया है, तो उन सभी का तो बहुत ज्यादा स्वागत है भाई साहब, है ना? आज जगे हुए हैं ये लोग। हाँ जी, तो स्वागत है मेरे सभी मित्रों का जो इस समय मेरे साथ में लाइव है। और जनाब, बात ऐसी है कि जो एकदम बिल्कुल ताजा ताजा उतर के आए हैं ना आज मेरे लिए, उनके लिए मैं जरूरी बातें बताता हूँ। एक सेकंड रुक जाओ, बस कंटेंट अपलोड कर दूं। हाँ, बात ऐसी है भाई कि जो भी नए विद्यार्थी हैं उन्हें मेरी क्लास के बगल में तीन बिंदियां दिख जानी चाहिए। तीन बिंदियों में छुपा है राज, राज, राज वही वाला, विपाशा बसु और आशुतोष वाला नहीं, ये सिंपल वाला राज है। और इस राज में क्या है, थ्री डॉट थ्योरी के अंदर डाउनलोड नाउ का ऑप्शन है, डाउनलोड नाउ का ऑप्शन है। और इस डाउनलोड नाउ के ऑप्शन में दो ऑप्शन लिखे आते हैं, एक है एनोटेशन यानी विद एनोटेशन और एक विदाउट एनोटेशन, यानी कि एक पर मैंने सिग्नेचर किए हैं तो वो थोड़े महंगे हैं लेकिन मैंने आपके लिए फ्री किए हुए हैं, और एक जो है वो विदाउट एनोटेशन है। ठीक है, चलिए तो कैसे नोट्स दिखाई देंगे, कुछ इस प्रकार के दिखाई देंगे बड़े खूबसूरत से। और ये खूबसूरती के साथ साथ जो नोट्स हैं, इसके अलावा एक खूबसूरती और है आप लोगों के लिए, और वो है रिवर्स की पीडीएफ, है ना? और वो रिवर्स की पीडीएफ जो है वो हो गई है आपके अपडेट सेक्शन में अपडेट। ठीक है, अभी अपडेट सेक्शन कहाँ मिलता है, तो जहां आपने मेरी क्लास देखी है ना, जहां पर आपने मुझे ढूंढा है, कईयों को तो आज पहली बार मिला हूं मैं, तो जिन्होंने पहली पहली बार मुझे खोजा है उनको मेरी क्लास दिखाई दी होगी, और जहां क्लास दिखाई दी होगी उसको जब आप एक्सप्लोर करेंगे तो उस क्लास के साथ ही आपको डिस्कशन फोरम के अंदर अपडेट सेक्शन दिखाई देगा। और इस अपडेट सेक्शन में मैंने आप लोगों के लिए A4 कंटेंट में जो रिवर्स पढ़ाई थी वो अपडेट कर दी है, और ये आपसे बोलते बोलते अपडेट करनी है। अंकित अवस्थी इतने स्मार्ट हो गए हैं कि ये बोलते बोलते, और ये हो गई है सेंड। ठीक है, ये लीजिए, मतलब गजब हो गए अंकित अवस्थी, आपका कंटेंट चला गया है रिवर का, तो एक बार थम्सअप कर दो, दिख गई हो तो बढ़िया है, नहीं दिखी हो तो पहुंच गई है। ठीक है ना, तो मैंने अपडेट सेक्शन में डाल दी है। चलिए सर, हो गया काम, आइए सर आगे बढ़े। तो चलिए सर, दुनिया घुमाते हैं आप लोगों को। चैप्टर का नाम चल रहा है प्लेट्यू, प्लेट्यू बोले तो पठार, और इस पठार में क्या क्या खास है वो हम आपको बता देते हैं। इसी प्लेन में आज के कंटेंट में हम प्लेन्स भी ले आए हैं, ठीक है ना? तो प्लेट्यू के साथ साथ आपको इसी में नया टाइटल अपडेट कर दिया है, और वो टाइटल का नाम क्या है, प्लेट्यू के बाद में प्लेन्स, यानी कि जो तट है वो, ठीक है ना? तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, ये है आपके प्लेन्स, इंडियन प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स, इंडियन प्लेन्स, क्या क्या होते हैं, प्लेन्स का नाम क्या क्या है, ज्योग्राफी के हिसाब से भाबर, तराई, बांगर, रिवर, ये क्या होती है, भाबर प्लेन क्या होते हैं, तराई प्लेन क्या होते हैं, बांगर प्लेन क्या होते हैं, खादर प्लेन क्या होते हैं, डेल्टा प्लेन क्या होते हैं, कोस्टल प्लेन क्या होते हैं, कोस्टल प्लेन में ये जितने भी कोंकण, कन्नड़, कन्याकुमारी, कोरामंडल, आंध्र प्रदेश, उत्कल, ये सब, और ये सारे के सारे तटों के नाम और वेस्टर्न घाट के तटों के नाम, मतलब फुल्ली लोडेड है सर। मतलब कहने का मतलब ये है, इतना जबरदस्त कंटेंट है कि आपको लोड ही नहीं आएगा सर। समझ गए आप? तैयार हो आप सब लोग? एकदम बिल्कुल थम्सअप कर दो पढ़ने के लिए जो तैयार है। अरे भैया डाल दिया, प्लीज प्लीज जाकर के देखिए, सबको मिल जाएगा। और एक बार हम पूछ ले रहे हैं यस और नो करके, जल्दी से बता दीजिए सभी के पास आवाज आ रही है, फिर हम स्पीड पकड़ेंगे, गाड़ी को अपने फोर्थ गियर में डालेंगे, आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। ठीक है ना, सभी के पास प्रॉपर तरीके से आवाज आ रही है। चलिए सर, तो अब हम आपको आगे की यात्रा कराते हैं, कहां तक थे हम उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। क्लास के बीच में मैं आप लोगों के साथ में, हाँ भाई 91% लोग तो कह रहे हैं कि आवाज आ रही है, ठीक है, 9% लोग कह रहे हैं नहीं आ रही है, उनके लिए मैं एक बार रिफ्रेश कर दे रहा हूं, और रिफ्रेश के बाद मैं चैट ऑफ करूंगा। डन सर, चले सर, आइए सर शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहां से आगे की कहानी कुछ इस प्रकार से है, तसल्ली से सुन के चलिएगा। कल तक जहां हमने पढ़ लिए थे पठार, अब उन पठारों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कहां तक पहुंच चुके थे मैं एक बार के लिए आपको जल्दी से उन्हें याद करा देता हूं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो,
हम लोगों ने शुरू किया था कुछ यहां से, कहां से, तसल्ली से बैठ के सुनना, क्योंकि चैट करना नहीं है आप लोगों को, केवल जब मैं बोलूं तब थम्सअप करना है, और नहीं कर पाएंगे थम्सअप तो भी कोई बात नहीं है, मैं क्लास पढ़ाता चल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कल मैंने आपसे कहा था प्लेट्यू क्या होते हैं, प्लेट्यू किस आधार पर डिसाइड करते हैं। जो भी नए विद्यार्थी हैं कृपया करके एटलीस्ट कल वाली क्लास जरूर देख लें, ताकि आज वाली क्लास और अच्छे से समझ में आ जाए। कल हम लोगों ने मेवार प्लेट्यू जो था सबसे पहले उसकी चर्चा की थी, मेवार की चर्चा की थी, और मेवार के जस्ट बगल में मैंने कहा था कि अरावली से वेस्ट में जब हम चलते हैं तो मारवाड़ तो प्लेन आता है, मेवार प्लेट्यू आता है। तो ये जो दिख रहा है ये है मेवार प्लेट्यू, अच्छी बात है। इस मेवार प्लेट्यू से जब हम और आगे निकले तो हमें मिला मध्य भारत प्लेट्यू। ये कल मैं प्रॉपर तरीके से आपको बता चुका हूं, मैं कह चुका हूं कि मेवार प्लेट्यू की प्रमुख नदी है बनास, मध्य भारत में निकल रही है चंबल, मालवा प्लेट्यू जो कि इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ एक त्रिकोणाकार प्लेट्यू है, ट्रायंगुलर प्लेट्यू है, इसकी प्रमुख नदी है नर्मदा। और मैंने ये भी बताया था कि ये मध्य भारत जो प्लेट्यू है जिसमें चंबल नदी निकलती है वो यहां पर बेड लैंड टॉपोग्राफी बनाती है। कृपया करके पुराना लेक्चर एक बार जरूर देख लेना, एक बार थम्सअप करा के बता दो कि आज आप नया ये वाला लेक्चर पढ़ के आए हो जितना मैंने कल पढ़ाया था या नहीं पढ़ के आए हो। मैंने कल आपसे कहा था तरीका 15 मिनट पढ़ के आना है ना, तो बहुत सारे विद्यार्थियों के थम्सअप आ चुके हैं कि जी हाँ सर हम पढ़ के आए हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा, है ना। तो मालवा प्लेट्यू में भी नर्मदा के किनारे वैसा ही माहौल पाया जाता है जैसा कि चंबल नदी के किनारे पाया जाता है। बेडलैंड टॉपोग्राफी यानी कि जो इरोजन है वो इस प्रकार का होता है कि वहां पर बीहड़ बन जाते हैं, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद हम चले थे आपके बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड के लिए मैंने आपसे कहा था कि बुंदेलखंड के नॉर्थ ईस्ट में बहती है यहां पर आपकी यमुना, याद करिए इसकी लोकेशन मैंने आपको बताई थी, मैंने कहा था एक तरफ इसके मध्य भारत है एक तरफ मालवा प्लेट्यू है, डन, अच्छी बात है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं सर, यहां से आगे बुंदेलखंड से आगे, अब ध्यान से देखने की आवश्यकता है, यहां एक प्लेट्यू दिखाई दे रहा है, ये रहा छोटू सा प्लेट्यू दिखाई दे रहा होगा, इस प्लेट्यू को हम पहचानेंगे बड़े अच्छे से, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक पर्वत श्रृंखला रिवाइज कराता हूं, याद करिएगा बच्चों। ये वाली पर्वत श्रृंखला अगर आपको याद हो तो इसका नाम था विंध्याचल, याद करिए, याद हो तो थम्सअप कर देना बेटा एक बार, है ना। और इससे नीचे वाली जो पर्वत श्रृंखला थी इसका नाम था सतपुड़ा, अच्छी बात है सर। सर आपको याद होना चाहिए कि सतपुड़ा में तीन थी, क्या क्या थी, महादेव, मैकाल और सतपुड़ा, तीन थी ना, मैकाल, महादेव, सतपुड़ा। तो सत इस वाली रेंज से कौन सी नदी निकली, दो प्रमुख नदियां निकली थी, कौन कौन सी निकली थी, एक नदी निकली थी यहां की तरफ जिसका नाम था नर्मदा, और एक नदी निकली थी यहां से जिसका नाम था सोन नदी, ये रही सोन नदी। अगर आप कहें तो मैं एक बार इसको बिल्कुल क्लीन करके दिखा देता हूं, इधर देखिए अब आपको नजर आ जाएगा, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे जाए, और जूम कर देता हूं, अब देखिए, है ना, इधर देखिए। अगर आप नदियां पहचान सकते हैं तो पहचानने का प्रयास करिए, मैं कह रहा हूं कि यहां से नदियों में निकली सोन नदी, देखिए ये घूम करके, मैं पेन यूज करता हूं, इधर देखें आप, ये एक मिनट रुकिए, ये देखिए ये घूम करके जा रही है, अरे भैया चलोगे कि नहीं, हाँ ये चल रही है आप लोगों के सोन नदी, देखो ये गई और ये गई प्रयागराज से आगे पटना से पहले यहां जाकर के ये इसमें मिल गई, ठीक है। चलिए सर तो ये तो हो गई सोन नदी, ठीक है, अच्छी बात है। इधर से निकली थी नर्मदा नदी, वो हम बता दिए थे, याद करिए यहीं से हमने बताया था कि इसके पास से ही महानदी नदी का ओरिजन ओरिजन होता है ना, महानदी यानी कि थोड़ा सा इसके वेस्ट में जो है, सॉरी साउथ में जो है, महानदी का ओरिजन होता है। असल में मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों नदियों के बीच में, किन किन के बीच में बेटा, सोन नदी और महानदी, इन दोनों के बीच में जो प्लेट्यू स्थित है उसी का नाम बघेलखंड है। बोलिए आप मेरी बात समझ गए कि बघेलखंड कहाँ है, हम सब कर दीजिए अगर मुद्दा समझ में आ गया कि बघेलखंड कहाँ है, अच्छी बात है। बघेलखंड के दोनों सीमाएं बन गई, अच्छी बात। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अब जब यहां से आगे चलते हैं ना तो हमें जो प्लेट्यू मिलते हैं वो तुलनात्मक रूप से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक तो समझो केवल माहौल बना था, रियल प्लेट्यू तो अब आ रहे हैं। उन रियल प्लेट्यू में सबसे पहला प्लेट्यू जो है आप लोगों के लिए, जिसका हमने बहुत बार नाम सुना है, उनमें से प्लेट्यू का नाम है छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये दिख रहा। और मेरे प्यारे साथियों छोटा नागपुर प्लेट्यू के छोटा नागपुर प्लेट्यू के साथ साथ एक प्लेट्यू और विश्वविख्यात है और उसका नाम है दंडकारण्य प्लेट्यू, उस पे भी आऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए छोटा नागपुर प्लेट्यू मैं आप लोगों को बताता हूं।
हाँ जी, अब मैं आपको थोड़ा सा कंटेंट तक लेके चलता हूँ ताकि मैं आपको स्पष्ट रूप से ये सारी चीजें बता सकूं। बुंदेलखंड पढ़ा चुका, बघेलखंड पढ़ा चुका, गंडकारण पढ़ाऊंगा, पहले छोटा नागपुर पर आ जाइए। देखिए ये रहा छोटा नागपुर। अच्छी बात है सर। सर ये छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है, पहले तो ये बताइए जाना क्यों जाता है? मैंने कहा भाई साहब इस छोटा नागपुर की बहुत बड़ी खास बात है। क्या खास बात है? सर ये जो है ना, यहां पर जबरदस्त तरीके से कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है और लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोयला और लोहा, इन दो चीजों के लिए छोटा नागपुर प्लेट्यू जाना जाता है। अब एक नदी है जिसका नाम, मैं एक बार के लिए चैट ऑन भी कर देता लेकिन उसके लिए मैं करूंगा नहीं, तो बहुत ज्यादा कमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे। मैं आपको याद दिलाना चाह रहा था, एक घाटी है जिसका नाम है रूहर घाटी। अगर आपको याद हो तो फ्रांस के अंदर हम उसका नाम पढ़ते हैं, फ्रांस और जर्मनी के बीच में रूहर घाटी कहते हैं, जहां पर कोयले का मतलब बहुत ज्यादा दोहन होता है। असल में छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है ना, इस छोटा नागपुर प्लेट्यू के मध्य में से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है दामोदर नदी। क्या नाम नदी है? दामोदर नदी। वो दामोदर नदी जो है इस छोटा नागपुर को दो भागों में बांटती है। एक भाग चला जाता है ऊपर की तरफ जिसे हम नॉर्थ कहते हैं, एक भाग चला जाता है साउथ की तरफ। मतलब ये ऊपर की तरफ, ऊपर नॉर्थ चला गया, नीचे साउथ चला गया। ये जो ऊपर और नीचे हमने भागे बांटे हैं ना बेटा, छोटा नागपुर प्लेट्यू में दामोदर नदी के कारण दो भाग पाए जाते हैं, एक नॉर्थ की तरफ एक साउथ की तरफ। जो नॉर्थ की तरफ वाला भाग है बेटा, इसका भी एक नाम है और वो है हजारीबाग का प्लेट्यू। क्या नाम है इसका? मैं इधर लिख देता हूँ, चलिए साइड में लिख देता हूँ, हजारीबाग प्लेट्यू। क्या नाम है इसका? हजारीबाग, ठीक है बेटा। और दामोदर नदी के साउथ में जो है ना, इसका नाम है रांची प्लेट्यू। क्या नाम है इसका? रांची। दोबारा से सुन लीजिए, छोटा नागपुर प्लेट्यू अगर लोकेशन के हिसाब से बात करें तो ये पाया जाता कहां पर है? छोटा नागपुर प्लेट्यू लोकेशन के हिसाब से पाया जाता है प्रमुखता से झारखंड में। झारखंड में पाए जाने के साथ साथ ऊपर की तरफ जो है इसमें, वो है हजारीबाग प्लेट्यू यानी नॉर्थ की तरफ, और साउथ की तरफ छोटा नागपुर को दामोदर नदी ने दो भागों में बांट दिया, और साउथ में है मेरे प्यारे साथियों रांची का प्लेट्यू। ठीक है, याद करिए मैंने रिवर्स का मैप आपको दिया था। याद करिए मेरे प्यारे साथियों, यहां पर एक नदी बताई थी मैंने कुछ इस प्रकार से, उस नदी का नाम था स्वर्ण रेखा नदी। अगर याद हो तो थम्स अप करना, मैंने नदियां पढ़ाई थी तब आपको बताया था एक नदी का नाम जिसका नाम था स्वर्ण रेखा नदी। मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला जो रांची प्लेट्यू है ना, इससे निकलती है स्वर्ण रेखा नदी। देखिए मैं वैसे लाया था आप लोगों के लिए नदियों का मैप भी, अगर है तो देख लेंगे एक बार, नहीं हो तो बात काम में चला लेंगे, नहीं है कोई बात नहीं, है ना। स्वर्ण रेखा नदी आप यदि याद हो तो मैंने क्लास में बताया था, हालांकि पुरानी जो आपने अपन ने क्लास पढ़ी हुई है उसके अंदर, है ना बेटा। अच्छा, दामोदर नदी जाकर के कहां मिल रही है? हुगली में मिल रही है। हुगली कहां से निकल रही थी? गंगा नदी से निकल करके आ रही थी। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक बात है सर। तो ये दो बातें हमको यहां से अच्छे से समझ में आ जाती हैं कि ये किसके लिए जाना जाता है, एक तो लोहे के लिए, एक कोयले के लिए। और मेरे प्यारे साथियों, इस दामोदर नदी के अंदर कोयले का ट्रांसपोर्टेशन होने के कारण ये नदी एनी टाइम काली नदी रहती है, और इसे रूहर रिवर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इस पूरे क्षेत्र को रूहर घाटी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, दामोदर घाटी क्षेत्र को। एक मूवी थी और उसका नाम था गैंग्स ऑफ वासेपुर, अगर आपने वो देखी हो तो उस गैंग्स ऑफ वासेपुर के शुरुआती सीन में कुछ जिस तरह का वो दिखाया जाता है, अगर आपने देखा पार्ट वन है गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसके पार्ट वन में जब वो मनोज वाजपेयी वाला जो एक्शन है उसके अंदर जो है ना वो, हाँ मनोज वाजपेयी था पहले वाले में, तो उसमें वो है ना किसी खान में काम कर रहा होता है, और उसका नाम भी कुछ अच्छा होता है मनोज वाजपेयी का, खान खान ही होता है शायद कुछ ना, तो वो जो क्षेत्र है ना कुछ उस प्रकार का क्षेत्र आपका ये दिखाई देता है, क्योंकि यहां से कोयला बड़ी मात्रा में निकलता है। रिलेट कर लेना अगर याद आ जाए तो। ठीक है भाई, ये हो गया छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब मेरे प्यारे साथियों, ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है इसी से थोड़ा सा आगे ये है वेस्ट बंगाल। अब मैं एक बार के लिए इसे थोड़ा सा साफ कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा। इसी के आगे कौन सा वाला क्षेत्र? देखिए ये छोटा नागपुर मैंने बता दिया था, ये छोटा नागपुर रहा। इसी के आगे ये वाला क्षेत्र कौन सा है? वेस्ट बंगाल वाला। वेस्ट बंगाल के बाद ये कौन सा है? आपका हो गया बांग्लादेश। ये वाला क्षेत्र पहचान रहे हैं आप? इतना सा जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, गारो खासी जयंतिया जहां उपस्थित है, ये है मेघालय। अगर याद आ जाए तो क्या है? मेघालय, है ना बेटा। तो अब देखिए ध्यान से, छोटा नागपुर प्लेट्यू का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है। कौन सा प्लेट्यू? ये वाला प्लेट्यू। इसका नाम क्या है?
मैंने कहा इसका जो नाम है मेरे प्यारे साथियों, इसका नाम है आप लोगों के मेघालय प्लेट्यू, ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये इसका नाम क्या है, मेघालय प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू का ही विस्तृत रूप है मेघालय प्लेट्यू, जो यहां तक आगे जा रहा है। कहां पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। इसका एक और नाम है, मेघालय की राजधानी है शिलोंग, इसलिए इसका नाम है शिलोंग प्लेट्यू। सवाल बनता है फिर इसे छोटा नागपुर प्लेट्यू ही क्यों नहीं कह देते, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों यहां पर एक रिफ्ट पाई जाती है जिस रिफ्ट का नाम है मालदा भ्रंश। उसका नाम क्या है, मालदा रिफ्ट। थम्स अप करिए। रिफ्ट का मतलब होता है जहां प्लेट्यू के बीच में दरार आ गई हो, तो दो मतलब ये प्लेट्यू कौन कौन से, छोटा नागपुर और जो आपका मेघालय है, ये थोड़ा सा एक दूसरे से बाई पार्टीशन कर गए जमीन के किसी मूवमेंट के कारण, और एक भ्रंश का निर्माण हुआ। मालदा नामक स्थान जो है आपके वेस्ट बंगाल में है और उसे हम मालदा रिफ्ट कहते हैं, जिसके कारण छोटा नागपुर रह गया आपके वेस्ट में और ईस्ट में चला गया कौन, आपके मेघालय चला गया। डन हो गई, इतनी बात हमको समझ में आ जाती है। अब थोड़ा सा एक बात और बताते हैं, एक और प्लेट्यू है मेरे प्यारे साथियों। अगर आप इंडिया का नक्शा देखें, मैं आपके लिए इंडिया का नक्शा दिखाता हूं, एक मिनट रुकिए, ये देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। अगर लोकेशन के हिसाब से चलें हम, तो हम कुछ इस प्रकार से हैं। वर्तमान में देखिए मैं आपको राज्य बताता हूं, ये था आपका प्यारा उत्तर प्रदेश, ये था बिहार, बिहार के बाद में ये वाली जगह। चलिए मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूं ताकि मैं उसे मार्क कर पाऊंगा। ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, फिर से देखिए बेटा। देखो ये था उत्तर प्रदेश, ये था बिहार, है ना। अच्छा, बिहार के नीचे था झारखंड। मैंने अभी हाल आपसे क्या कहा, झारखंड के अंदर प्रमुखता से जो पठार है उसका नाम क्या है, झारखंड के पठार का नाम था छोटा नागपुर पठार। क्या नाम था बेटा, छोटा नागपुर। अच्छी बात है, आगे चलते हैं। छोटा नागपुर से आगे ये वाला जो क्षेत्र था मेरे प्यारे साथियों, इसको नाम मैंने क्या दे दिया, मेघालय पठार। ओके बेटा। अच्छा एक बात और बताते हैं, देखिए पहचानिए, बिल्कुल भारत के मध्य में इसका नाम है मध्य प्रदेश। क्या नाम है इसका, मध्य प्रदेश। मेरे प्यारे बच्चों मध्य प्रदेश से लगा हुआ एक राज्य है और उसका नाम क्या है, अब देखिए इसके अंदर, हाँ ये वाला आपको जो दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं हम छत्तीसगढ़। क्या नाम देते हैं बेटा इसे, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से लगा हुआ राज्य है जिसका नाम क्या है, उड़ीसा। उड़ीसा के नीचे राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के ऊपर की तरफ राज्य कौन सा है, ये वाला तेलंगाना। कुछ याद आ गया। अच्छा अब ध्यान से समझना, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेट्यू बता रहा हूं, आजकल पेपर में उसके बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सभी लोग याद करने का प्रयास करेंगे बेटा उसको, है ना। देखो बेटा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना, इन तीनों में ये वाला जो क्षेत्र है ना, देखिए ध्यान से दोबारा समझिए, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, मैं जिस तरह के गोले बना रहा हूं इसी प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे हम, ये कौन कौन से क्षेत्र को कवर कर दिया मैंने, छत्तीसगढ़ भी कवर कर दिया, उड़ीसा भी कर दिया, हल्का सा तेलंगाना भी कर दिया। बच्चों इस जगह पर भी एक प्लेट्यू है और उसका नाम है दंडकारण्य प्लेट्यू। क्या नाम है, दंडकारण्य पठार। ये पेपर में बहुत ज्यादा आजकल पूछा जा रहा है, मैंने खुद ने कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस प्लेट्यू का नाम देख लिया है। ठीक है सर, सर क्या खास है इस दंडकारण्य प्लेट्यू के बारे में, मैंने कहा सर इस दंडकारण्य प्लेट्यू के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में इसी दंडकारण्य प्लेट्यू का ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, बस्तर कहलाता है। थम्स अप करिए अगर आप बस्तर नाम से अवगत हैं तो, बस्तर, ठीक है ना। दंडकारण्य प्लेट्यू का छत्तीसगढ़ में जो स्थान है वो बस्तर कहलाता है, और जो बस्तर है ना मेरे प्यारे साथियों वो बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। बॉक्साइट किसका है, अयस्क, एल्यूमिनियम का अयस्क है मेरे प्यारे साथियों। तो जो बस्तर है इट इज रिनाउंड फॉर, किसके लिए, मैंने आपसे क्या कहा मेरे प्यारे साथियों, बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। बस्तर जो है ना मेरे प्यारे साथियों असल में ये नक्सल बेल्ट भी है, नक्सलाइट क्षेत्र भी है मेरे प्यारे साथियों, यहां पर पाया जाता है। इसी प्रकार से उड़ीसा के तीन क्षेत्र है यहां पर, कौन कौन से क्षेत्र है, एक का नाम है मेरे प्यारे साथियों कोरापुर, नाम क्या है कोरापुर, दूसरे का नाम है कालाहांडी। कालाहांडी, कुछ गलत बताने से अच्छा है कि सही चीजें लिख दी जाएं, कोरापुर, कालाहांडी और तीसरा है बोलनगिर। बोलनगिर मेरे प्यारे साथियों, ये तीन स्थान और है मेरे प्यारे साथियों यहां पर जो कि उड़ीसा के हैं। यहां पर ये क्षेत्र भी जो है ये भी जाने जाते हैं किसके लिए, बॉक्साइट के लिए। तो बॉक्साइट खनिज का प्रमुख स्रोत जो है वो यहां पर पाया जाता है। उम्मीद है ये वाली बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से इसी कॉर्नर पर मेरे प्यारे साथियों छत्तीसगढ़ के अंदर एक जगह है और उसका नाम है दल्ली राजहरा। उसका नाम है दल्ली राजहरा मेरे प्यारे साथियों, और उसे हम दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। दुर्ग नामक स्टेशन भी है, दुर्ग के नाम से जानते हैं। और मेरे प्यारे साथियों यहां पर
इसी वाले प्लेट्यू के दुर्ग वाले स्थान पर लोहे के अयस्क जो है वो पाए जाते हैं। कौन सा अयस्क पाया जाता है? लोहे का अयस्क पाया जाता है। हम सब करिए, अगर आप लोगों को दंडकारण्य प्लेट्यू और उसकी लोकेशन समझ में आ गई हो कि ये कहां पर है, उम्मीद है सभी साथियों को ये वाली बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और हल्का सा तेलंगाना, इन तीनों को कंबाइंड करके क्या बन रहा है आप लोगों का? दंडकारण्य प्लेट्यू बन रहा है। अच्छी बात है, ये हो गई बात समझ में, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा प्लेट्यू था, आइए तो देखिए हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। हजारीबाग हो गया, ये रहा रांची हो गया, शिलांग यानी मेघालय हो गया, बंग ये आपका हो गया, कौन सा वाला दंडकारण्य प्लेट्यू हो गया, बस्तर के बारे में मैंने बता दिया, बस्तर के अंदर। अब हम चलते हैं यहां पर डेक्कन प्लेट्यू की तरफ। इसका नाम क्या है? दक्षिण का पठार, जिसे आप डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। क्या नाम है इसका? डेक्कन प्लेट्यू, दक्षिण का पठार। मेरे प्यारे साथियों याद करिए, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि ये वाली तापी नदी, तापी नदी के नीचे की तरफ जो भी क्षेत्र है वो दक्षिण भारत कहलाता है। अब ध्यान से समझने की आवश्यकता है, इसके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है साथियों। क्या इंटरेस्टिंग है साथियों? कहते हैं, ऐसा कहते हैं, वंस अपॉन ए टाइम, देखिए यहां पर अगर आप समझेंगे ना तो देखिए ये वाला जो क्षेत्र है ये बनाया हुआ है महाराष्ट्र प्लेट्यू का। अगर आपको पहचान में आ रहा है तो देखिए ये रहा महाराष्ट्र प्लेट्यू का, ठीक है ना। इधर की तरफ असल में ये है कर्नाटक प्लेट्यू, जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है ये है कर्नाटक प्लेट्यू, और ये वाला जो क्षेत्र है असल में वो आंध्र प्लेट्यू है। ये तीसरा जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये वाला जो क्षेत्र है, 1 2 3 अगर हम नाम दे दें ए बी सी, तो ध्यान से सुनिएगा, इसका नाम कौन सा हो गया? महाराष्ट्र प्लेट्यू। बी वाला जो हो गया वो आंध्र प्लेट्यू, और जो सी वाला हो गया मेरे प्यारे साथियों ये कर्नाटक प्लेट्यू हो गया। ये तीन प्लेट्यू है दक्कन के पठार में। प्रॉपर तरीके से देखिए, अगर आपको दिख जाए तो यहां पर राज्यों के हिसाब से मत देखिएगा, राज्यों की सीमाएं तो ऊपर नीचे फिर भी हो सकती है। प्लेट्यू का नामकरण राज्यों से संबंधित नहीं है, मिलता जुलता जरूर है, मतलब आप गलती नहीं करके आएंगे कि ये कहां पर है, ठीक है ना। तो देखिए अब मैं आपको तीनों अच्छे से दिखा देता हूं, ध्यान से समझिएगा। इस डायग्राम में आपको प्रॉपर तरीके से चार चीजें दिखाई गई हैं, अगर आप पहचान रहे हैं तो। नंबर वन, यहां पर है ए, ये कौन सा है? महाराष्ट्र प्लेट्यू। ये वाला क्षेत्र कौन सा था? दंडकारण्य प्लेट्यू, अभी बताया था मैंने, ये मैं करवा चुका हूं। देखिए छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, ये वाला क्षेत्र। बी वाला प्लेट्यू जिसको तेलंगाना प्लेट्यू लिखा हुआ है, असल में इसका नाम आंध्र प्लेट्यू है, अभी मैं बताऊंगा पूरा इसका इतिहास भी। और तीसरा हो गया कर्नाटक का प्लेट्यू, जो ये रहा। अच्छी बात है, अब इनके बारे में क्या, एक एक के बारे में जो भी मेरे नए विद्यार्थी जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि आप लोगों का एक एक कंटेंट जो मैं बोल रहा हूं ये सारा लिखित में है, इसी कॉपी में है, इसी जगह पर है। और जो नए साथी जुड़े हैं उनकी परेशानी को भी मैं थोड़ा सा समझ लेता हूं। और देखिए बच्चों मैं आपको दिखा दूं, एक एक चीज लिखी हुई है आप लोगों के लिए। देखो बेटा, ये रहा दंडकारण्य प्लेट्यू, ये रहा छोटा नागपुर प्लेट्यू, और ये सब चीजें आपको मिलेंगी। तीन डॉट पर आप क्लिक करेंगे वहां से आपको सब मिल जाएंगी, घबराइएगा नहीं। ये मेघालय प्लेट्यू, ये डेक्कन प्लेट्यू, ये रहा सारा की सारा बेटा, है ना। तो आप चिंता मत करिए, ये महाराष्ट्र प्लेट्यू, तेलंगाना प्लेट्यू, कर्नाटक प्लेट्यू, ठीक है बेटा, चिंता मत करिए, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा प्रिंट निकलवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको कंपाइल करके मैं एक A4 में बना करके और पकड़ाऊंगा, कृपया करके चिंता मत करना। पहली बार जो विद्यार्थी आए हैं वो इतना विश्वास करें कि आप लोगों के मित्र यहाँ ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और वो पूरी तरह से संतुष्ट है मेरे पढ़ाने के तरीके से। इसका मतलब ये हुआ कि और छात्र भी उस मेथड को पसंद कर चुके हैं जो मेथड मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। आप आश्वस्त होकर पढ़ें, मन में जो सवाल हैं आपके सवालों के लिए चैट खोलूंगा, लेकिन इस समय बड़ी संख्या में हम लोग लाइव हैं, अगर मैंने चैट खोल दिया तो जबरदस्ती में वो ध्यान बटेगा और आपका भी ध्यान बटेगा, क्योंकि चैट आपकी बगल में से निकलेंगे तो आपका ध्यान चैट पर जाएगा, इसलिए मैंने फिलहाल के लिए चैट को ऑफ की हुई है। उम्मीद है आप मेरी बात से सहमत होंगे, अपनी प्रेजेंस आप थम्स अप से दर्ज करा सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए मैं आपको यहां ये बता सकता हूं कि यहां पे थम्स अपों की जो संख्या है ना वो 10,000 पार हो चुकी है। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि मतलब ऑन एन एवरेज जो लोग थम्स अप कर भी रहे हैं क्लास के अंदर वो कितने ज्यादा हैं, है ना। तो इस तरह से आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा आप भी समझ के चलें, आपका भला मैंने सोच रखा है, आश्वस्त रहिए, जब पढ़ा दूंगा उसके बाद डाउट रहे तो चर्चा करेंगे अपन, ठीक है। चलिए बेटा, तो हमने क्या कहा, तीन प्लेट्यू के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उससे पहले एक बात और समझिए बेटा, ऐसे ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। क्या, किस चीज के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं? कि ये वाला जो डेक्कन प्लेट्यू है ना, असल में कभी यहां पर लावा पाया गया था। क्या पाया गया था? लावा। लावा क्या होता है बेटा? जमीन के नीचे जब धरती पिघल जाती है ना तो उसे हम मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा। और जब वो पिघल करके ऊपर फैल जाती है तो धरती के ऊपर जो फैल करके उसने, बिल्कुल ये समझिए कि फैल करके जो परतदार संरचना बनाई है उसे हम लावा कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों ऐसा माना जाता है कि
जब बहुत बड़े पुराने समय पर कभी जब धरती का निर्माण कार्य चल रहा था तो इस दक्षिण भाग में से भी कुछ लावा की परतें कभी बाहर निकली होंगी, जमीन में से मैग्मा बाहर निकला होगा और जमीन पर फैल गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्षेत्र में, किस किस क्षेत्र में, इस एबीसी वाले क्षेत्र में, महाराष्ट्र प्लेट्यू में, तेलंगाना प्लेट्यू में और कर्नाटक प्लेट्यू में, यहां लावा के फैलने से धीरे धीरे वो लावा गलता गया, उसके गलने से यहाँ की मिट्टी काली हो गई और उस काली मिट्टी के कारण मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो देखिए, रिलेट करिए चीजों को। सबसे पहले लावा, लावा के गलने से बनी काली मिट्टी, काली मिट्टी पर उत्पादन किसका हुआ, काली मिट्टी पर उत्पादन किसका हुआ, कपास का, है ना, लावा, काली मिट्टी, कपास। तो ये तीनों चीजें बेटा एक बार हम क्रमबद्ध तरीके से याद कर लिए, अच्छी बात है। फिर सवाल बना तो बोले सर इसमें ये तीन चीजें जो हम पढ़ रहे हैं इनकी स्थिति बताइए कौन कहां कहां पर है, तो मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं। सबसे पहले शुरू करते हैं हम महाराष्ट्र प्लेट्यू को, है ना बेटा। महाराष्ट्र प्लेट्यू जैसा कि देखने से ही पता चल रहा है कि ये वेस्टर्न घाट के ईस्ट में स्थित है। दिशाओं का ज्ञान होगा आप लोगों को, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, इधर ईस्ट इधर वेस्ट होता है, तो ये इधर की तरफ यानी कि ईस्ट में स्थित है। तो जब ये वेस्टर्न घाट के ईस्ट में स्थित है और वेस्टर्न घाट से दो प्रमुख नदियां निकलती हैं जो कि महाराष्ट्र वाले रीजन में से होकर के निकल रही हैं, उनमें से एक का नाम है गोदावरी नदी और एक का नाम है कृष्णा नदी। उम्मीद है आप लोगों को ये वाली बात भी याद होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से महाराष्ट्र के अंदर से जो दो प्रमुख नदियां आती हैं इसके क्षेत्र में, अब मैं आपको एक बार इसे साफ करके दिखा देता हूं, इधर देख लीजिएगा, आपको उम्मीद है ये दिखाई दे जाएगा। ये रहा, देखिए आपको पहचान में आ जाना चाहिए, ये गई नदी आपके लिए नंबर वन, और ये नंबर वन नदी का नाम क्या है, ये जा रही, इसका नाम तो हो गया गोदावरी नदी, और इसके बाद जो दूसरी नदी आपको यहां पर दिख रही है उसका नाम हो गया कौन सी नदी, आपको लिए कृष्णा नदी। ठीक है बेटा, दो नदी आपको प्रमुख रूप से इस महाराष्ट्र प्लेट्यू में से निकल के आती है, अच्छी बात है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो आपने नोटिस किया कि महाराष्ट्र प्लेट्यू से अगला प्लेट्यू ये रहा जिसका नाम यहां लिखा हुआ है तेलंगाना प्लेट्यू। इसके बारे में क्या खास है, असल में क्या है मेरे प्यारे साथियों कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ये दो राज्य बाद में बने थे यानी 2014 में, और ज्योग्राफी का जो क्लासिफिकेशन है ये लंबे समय से हो रहा है। अब क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि ये वाली जो नदी है जिसे आप कृष्णा नदी कहते हैं, इस कृष्णा नदी को अगर मैं यहां दिखाऊं, इस मैप को आपके सामने क्लीन करके दिखाता हूं, देखिए इधर की तरफ, अगर मेरे प्यारे साथियों यहां पर मैं कृष्णा नदी को दिखाने का प्रयास करूं तो कृष्णा नदी कुछ इस प्रकार से निकल रही है। कहां से, मतलब कि आंध्र प्रदेश से होते हुए ये वाला जो क्षेत्र है यहां से समझिए कि कृष्णा नदी निकल रही है, ठीक है ना, अच्छी बात है। यानी कि तेलंगाना भी है उसमें और आंध्र प्रदेश भी है, तो यहां पर कहीं स्थित है आप लोगों का ये वाला तेलंगाना प्लेट्यू। इस तेलंगाना प्लेट्यू में मेरे प्यारे साथियों कुछ इस प्रकार से इसका अध्ययन किया जाता है। मान लीजिए कि ये तेलंगाना प्लेट्यू है, ठीक है ना, इसके मध्य में से निकल रही है कृष्णा नदी। कौन सी नदी निकल रही है, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी गिर कहां रही है, बंगाल की खाड़ी में। इस कृष्णा नदी के ऊपर यानी कि नॉर्थ वाला जो हिस्सा रखा गया मेरे प्यारे साथियों उसे नाम दिया गया तेलंगाना प्लेट्यू। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसे नाम क्या दिया गया, तेलंगाना पठार। और इस कृष्णा नदी के जो साउथ में है इस वाले क्षेत्र का नाम दिया गया रायल सीमा पठार। क्या नाम दिया गया, रायल सीमा। कई बार आप लोग सुर्खियों में सुनते हैं रायल सीमा क्षेत्र, जहां पर बहुत ज्यादा सूखा पड़ता है। कई बार आप लोगों ने उस क्षेत्र का फोटो देखा होगा, एक टूटी हुई जमीन जिसमें क्रैक दिखाई देते हैं, जैसे लोगों के पैर फट जाते हैं, ऐसी जमीन फटी हुई आप लोगों को रायल सीमा क्षेत्र की दिखाई जाती है, वो क्षेत्र है रायल सीमा क्षेत्र। चूंकि मेरे प्यारे बच्चों यहां पर ये आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी की तरफ है, इसलिए इसका ये वाला जो क्षेत्र है यानी कि इस प्लेट्यू का इधर वाला जो क्षेत्र है टूवर्ड्स बे ऑफ बंगाल जहां पर कृष्णा नदी गिरने वाली है, इस क्षेत्र को मेरे प्यारे साथियों सीमांध्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीमांध्र कहा जाता है। थम्स अप करिए अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो, इसे कहा जाता है सीमांध्र। क्लियर हो गया, तो कृष्णा नदी। अब हमारे सामान्य सवाल क्या बन के आया मेरे प्यारे साथियों, आंध्रा का पठार जो है, आंध्रा का पठार ओवरऑल तो ये कौन सा पठार कहलाता है, आंध्रा का पठार, है ना, आंध्रा। आंध्रा का पठार जो है, आंध्रा का पठार दो भागों में बंटता है, किसके कारण, कृष्णा नदी के कारण। कौन कौन से पठार, नॉर्थ में हो गया तेलंगाना का पठार, साउथ में हो गया रायल सीमा का पठार, ईस्ट में हो गया कृष्णा मतलब सीमांध्र,
सीमांत क्षेत्र कहलाता है। तो हमने अभी क्या क्या देख लिया, हमने ये देख लिया महाराष्ट्र का पठार, हमने देख लिया आंध्र का पठार, अब तीसरा कौन सा बच गया, कर्नाटक का पठार। याद रखिएगा ये तीनों के तीनों पठार संयुक्त रूप से दक्कन पठार कहलाते हैं, दक्षिण का पठारी क्षेत्र कहलाते हैं। दक्षिण क्यों कहा गया, क्योंकि तापी नदी के ये दक्षिण में स्थित है। तो ये तीनों दक्कन के पठार है, इन दक्कन के पठार में महाराष्ट्र का पठार एक तरफ हो गया आप लोगों के, ये तेलंगाना का पठार, ये आंध्र का पठार, और तीसरा जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कर्नाटक का पठार। मेरे प्यारे बच्चों ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ना, राज्य जो दिखाई दे रहा है, असल में इस राज्य का नाम है कर्नाटक। मेरे प्यारे बच्चों इस कर्नाटक राज्य के अंदर जो प्लेट्यू है, असल में उस प्लेट्यू का नाम जो है वो कर्नाटक पठार है। याद रखिएगा प्लेट्यू वाला जो क्षेत्र होता है, पहली चीज तो समझिएगा, जो प्लेट्यू वाला क्षेत्र होता है और जो राज्य की सीमाएं होती हैं वो दोनों एक दूसरे से मैच करें जरूरी नहीं है। हो सकता है कि कर्नाटक प्लेट्यू का कुछ हिस्सा तेलंगाना में हो, कुछ हिस्सा हो सकता है आंध्रा में भी हो, ठीक है ना। अच्छा अब हम बनते हैं आपकी तरफ, कर्नाटक प्लेट्यू की तरफ। मेरे प्यारे साथियों ये जो कर्नाटक प्लेट्यू है इसके बारे में हम लोग ये कह सकते हैं, इस फोटो में दिखा देता हूं मैं आप लोगों को, कि ये जो कर्नाटक प्लेट्यू है, इस प्लेट्यू को अगर मैं यहां पर आपके सामने ऐसे दिखाता, ऐसे फिर से स्क्वायर शेप में दिखाता, तो ऐसा माना जाता है कि इसके बीच में एक ऐसी ऊंचाई है, कर्नाटक प्लेट्यू को एक लाइन है जो दो बराबर भागों में बांटती है। कहते हैं कि ये जो लाइन है ये 600 मीटर ऊंची लाइन है। कितनी मीटर ऊंची लाइन है, 600 मीटर एवरेज, मतलब एक पहाड़ी क्षेत्र है जो कि प्लेट्यू के मध्य में स्थित है, लगभग 600 मीटर ऊंचाई इसकी औसत है। इसके नॉर्थ में, क्योंकि देखिए ये वाला प्लेट्यू अगर हमने इसके रूप में आपको यहां दिखाया है, तो इसके नॉर्थ में यानी कि टुवर्ड्स अपर साइड इस तरफ, मेरे प्यारे साथियों इधर की तरफ जो प्लेट्यू बनता है, यानी कि ये ओवरऑल पूरा कौन सा है, कर्नाटक प्लेट्यू है। इसके ऊपर की तरफ यानी कि नॉर्थ वाला जो हिस्सा है मेरे प्यारे साथियों, इसका नाम दिया गया बेंगलोर का पठार। क्या नाम दिया गया बेटा, बेंगलोर का पठार। दोबारा सुन लीजिएगा, क्या नाम दिया गया, बेंगलोर का पठार। ये मैं आपको फर्दर डिटेल देता जा रहा हूं। इसी प्रकार से इस समोच्च रेखा के यानी कि जो 600 मीटर की जो समान ऊंचाई वाली यानी इक्वी हाइट वाली जो लाइन है, इसके साउथ में जो पठार है मेरे प्यारे साथियों, इसे कहा जाता है मैसूर का पठार। क्या कहा जाता है, मैसूर का पठार। अब ध्यान से देखिए, अगर आपको ये फोटो दिखाई दे जाए तो मैं यहां पर आपको कुछ चीज दिखाना चाहूंगा। देखिए मैसूर का पठार अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको नजर आएगा यहां से कुछ और भी, और वो क्या है, इधर देखें आप मेरे प्यारे साथियों, इस मैसूर के पठार के कहीं नजदीक से कुछ इस प्रकार से एक नदी निकल रही है, और उस नदी का नाम है कावेरी नदी। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों, कावेरी नदी। ठीक है, तीन नदियां हो गई, गोदावरी कृष्णा। गोदावरी कृष्णा नदी किस किस क्षेत्र को प्रभावित कर रही थी, गोदावरी और कृष्णा प्रभावित कर रही थी मेरे प्यारे साथियों आप लोगों के महाराष्ट्र प्लेट्यू को और आंध्र प्लेट्यू को, और यहां पर ये जो कावेरी नदी है ये प्रभावित किसको कर रही है, आपके इसके माध्यम से मेरे प्यारे साथियों मैसूर प्लेट्यू से निकल करके आ रही है। डन हो गया। अच्छा एक बात और समझने का प्रयास करिएगा, ये जितने भी प्लेट्यू मैंने आप लोगों को यहां पर पढ़ाए हैं, इनमें से ये जो बेंगलोर प्लेट्यू है, इस बेंगलोर प्लेट्यू से एक नदी निकलती है जिसका नाम है तुंगभद्रा नदी। ये तुंगभद्रा नदी कुछ इस प्रकार से समझिएगा, जो कि सहायक नदी है कृष्णा नदी की। कौन सी नदी के सहायक नदी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी जो कि सहायक नदी है किसकी, आप लोगों के कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों आपको मैंने डेक्कन प्लेट्यू, आंध्रा प्लेट्यू, कर्नाटक प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, ये सारे प्लेट्यू बहुत ही डिटेल से पढ़ा दिए हैं। देखिए मैं आप लोगों को पूरी तरह तो संतुष्ट कर नहीं सकता, क्योंकि साहब मैं एक एक विद्यार्थी की तो कसम नहीं खा सकता, लेकिन हाँ चूंकि ये प्लस का वीडियो है और प्लस के वीडियो को आप 10 बार देख सकते हैं, 50 बार देख सकते हैं, जब तक सब्सक्रिप्शन है तब तक देख सकते हैं, तो इसे बार 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 रिवाइज करके सुनते रहिएगा जो मैंने आपको बोला है। मैं एकदम फुल लोडेड होकर के आया था और मैंने सारा उगल दिया है, और उम्मीद है कि उगले हुए ज्ञान से जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो संतुष्ट हुआ होगा। अगर आप भी बुद्धिजीवी हैं तो थम्स अप करके अपनी प्रेजेंस दर्ज कराएं कि हाँ सर आपने जो दिया ज्ञान वो मतलब उच्च कोटि का था, हमारा काम बन गया। क्योंकि इतना अच्छे से प्लेट्यू आप खुद से भी पढ़ लेना नहीं पढ़ पाओगे, विद्यार्थी जीवन बिता चुका हूं और उसके बावजूद भी मैंने आपको प्लेट्यू लगभग 1.5 दिन हो गया है पढ़ाते हुए, मैंने इतना डिटेल में आपको प्लेट्यू पढ़ा दिया है। आप में से बहुत सारे लोग हैं, बाबा लोग हैं जो कई समय से पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने भी अपने अभी तक के पढ़ाई के काल में प्लेट्यू इतने अच्छे से नहीं पढ़े जितने अच्छे से मैंने पढ़ा दिए हैं, ये मैं दावा कर रहा हूं उनकी जगह बैठने से पहले ही, ठीक है ना। चलिए सर अब हम उतरते हैं इंडियन प्लेन्स में। इंडियन प्लेन्स में उतरते हैं मतलब हवाई जहाज में नहीं उतर रहे हैं, हम मैदानों में उतर रहे हैं। मैदान का निर्माण सामान्यतया नदी के द्वारा लाए गए अवसाद के आधार पर होता है।
मेरे प्यारे साथियों, नदी के द्वारा जो अवसाद लेके आए जाते हैं, कैसे आते होंगे? कभी आप लोगों ने देखा हो कि आपके भी आसपास के क्षेत्रों में जब बारिश होती है तो बारिश का पानी बह के जाता है, तो एक सामान्य नदी, को छोड़िए आप, आपके आसपास की गली में से भी जब पानी बह के जाता है तो वहां पर कुछ पथरीले पथरीले पत्थर जो है वो आपको बहाव के क्षेत्र में दिख ही जाते हैं। हमारे यहां तो उन्हें भांटा कहते हैं, भांटा है ना, आप लोगों के क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, भांटे कहते हैं हमारे यहाँ, भांटे है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर कुछ भांटे समान संरचनाएं पाई जाती हैं, आप कंक पत्थर बोलते होंगे, कुछ बोलते होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, नदियों में भी ऐसा होता है, क्योंकि सामान्यतया नदियां ऊंचाई से उतर के आती हैं। कहां से उतर के आती हैं? ऊंचाई के क्षेत्र से उतर के आती हैं, जैसे हिमालय से उतर के आ गई, वेस्टर्न घाट से उतर के आ गई। और जब ये नदियां उतर के आती हैं तो मेरे प्यारे साथियों, ये अपने साथ में बहुत सारे कंकड़ पत्थर जो हैं वो लेकर के आती हैं। जैसे मान लीजिएगा कि मैंने आपके सामने ये एक पर्वत का निशान बनाया, ये पर्वत है, इस पर्वत से मतलब पर्वत से पानी बह करके नीचे गिर रहा है, कुछ इस प्रकार से गिर गया साहब, ये लीजिएगा। पर्वत से पानी जब नीचे गिरा तो इस पानी के साथ साथ बहुत सारे पत्थर जो है वो जमीन में आने लगे। अब सुनिए साहब, ध्यान से समझना, कभी भी आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन हो सकता है आपने इसके बारे में विचार ना किया हो, आप लोग देखिएगा कि पर्वतों से पानी जो है, नदी में जो पानी है वो किसी एक ही स्रोत से नहीं निकल के आता है, नदी में पानी बहुत सारी छोटी छोटी उप नदियों से आता है। हमारे यहाँ तो राजस्थानी भाषा में उन क्षेत्रों को खौड़ कहते हैं, पता नहीं आपके यहाँ क्या कहते हैं, हमारे यहाँ उसे खौड़ कहते हैं। राजस्थानी लोग हो तो थम्सअप करें अगर वो पहचान रहे हो। तो पहाड़ से जब पानी उतर के आता है तो उतर करके पानी जो है वो अपनी जगह पर बहुत सारे पत्थर छोड़ जाता है ना। और मैं आपको फोटो दिखा सकता था लेकिन समय अभाव है, क्योंकि आप सबका समय कीमती है, मैं फोटो बाद में भी दिखा दूंगा अगर समय बचेगा तो। तो उसमें क्या होता है कि जब भी आप किसी पहाड़ को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो मान लीजिए कि कोई पर्वत आपको दिखाई दिया, कोई भी आपको आसपास दिखाई दे जाए, तो उसमें देखना कि वो पर्वत एक समान नहीं होता है। उस पर्वत में जब आप देख भी रहे हैं ना, तो कोई जगह ऐसी होती है जिसे देख करके यह प्रतीत हो जाता है कि पानी यहां से उतर के आता होगा। जिस जगह पर आप सामान्यतया पिकनिक मनाने जाते हैं जब बारिश आ जाती है, जिसे आप वाटरफॉल के रूप में, छोटे छोटे वाटरफॉल के रूप में यूज करते हैं, झरने कहते हैं, वाटरफॉल नहीं झरना कहते हैं आप उन्हें, है ना, स्प्रिंग्स के रूप में आप जिन्हें यूज करने जाते हैं, झरने जहां बहते हैं, असल में वो जो छोटे छोटे झरने हैं ना, वो संयुक्त रूप से मिलकर के एक नदी के पानी का निर्माण करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, उन झरनों को अगर आपने सूखने के बाद कभी देखा हो, और मुझे नहीं लगता कि आपने ना देखा हो, अगर उन झरनों को कभी सूखने के बाद देखा हो तो उन झरनों में पत्थर हमें दिखाई देते हैं, उनमें बड़े बड़े गोले दिखाई देते हैं, भांटे दिखाई देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, उन्हीं भांटों को जो कि इन झरनों में दिखाई दे रहे हैं, अगर मैं यहां रिप्रेजेंट करूं, मैं इनको अगर यहां रिप्रेजेंट करूं कि ये पत्थर है, तो मेरे प्यारे साथियों, इन्हीं को हम भाबर कहते हैं। हम सब करिए अगर ये टर्म समझ में आ गई हो कि भाबर क्या होता है, भाबर। मैंने चला करके आपसे ये सब बातें कही क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, भाबर में भा और यहां पर भांटा, तो भांटा एंड भाबर, इन दोनों को रिजेंबल करके याद कर लेना। दोबारा बोल रहा हूं, भाबर में भांटा, मैंने भांटा जो बोला ना, पत्थर। अब यदि नहीं भी पहली बार भी सुना है तो याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, भाबर में भा और भांटे में भा, इन दोनों को एक दूसरे से मिला करके याद कर लेना। ये हो गया आपका भाबर वाला क्षेत्र। उम्मीद है मेरे सभी प्यारे बच्चों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है साथियों। अच्छा, अब मैं आपको एक बहुत जबरदस्त बात बताता हूं। अगर कभी आप लोगों ने झरने देखे हैं, जो अक्सर बरसात में हमारे राजस्थान में भी झरने दिखी जाते हैं, क्योंकि बारिश तो हमारे यहां भी होती है, लेकिन वो बात अलग है कि हमेशा पानी इतना नहीं रहता है। लेकिन कभी आपने अगर झरने देखे हो तो ऐसा लगता है कि पत्थर तो ऊपर है, उसके नीचे से पानी निकल के आ रहा है। ध्यान से देखना, कभी आपको भी दिख जाएगा, झरने में जाने से, जो भी झरने में अब तक स्नान किए हैं, बहुत सारी मूवी में दृश्य देखे हैं, हीरो ने हीरोइन को झरने में देखते हुए ही अपना मन बिगाड़ा है। अक्सर वो जो झरने होते हैं, उन झरनों को अगर आप देखें तो एक मन में सबसे बड़ा भाव यही रहता है कि इसमें पानी आ कहां से रहा है। सबसे बड़ा सवाल क्या बनता है, इसमें पानी आफ्टर ऑल आ कहां से रहा है। और हमारा खोजी दिमाग, हमारे उस समय पर व्योम के इस बख्शी हमारे दिमाग में पैदा हो जाते हैं, और हम ढूंढने लगते हैं कि इस झरने में आफ्टर ऑल पानी कहां से आ रहा है। कई जगह ऐसा लगता है कि जमीन के भीतर से पानी आ रहा है क्या,
ऐसे ही मेरे प्यारे साथियों, ये पानी ऐसे ही जब आगे निकल के आता है तो कई बार ऐसा होता है कि नदियों के द्वारा लाया गया, ये जो झरनों के द्वारा लाया गया जो सामान है ना, वो यहां पर इतनी अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाता है कि इनके नीचे से पानी निकल के चला जाता है और ऊपर खड़े हुए व्यक्ति को कुछ दिखाई ही नहीं देता। दोबारा सुनिए, ये इस तरह की स्थिति बन जाती है कि इनके नीचे से पानी निकल के चला जाता है, ऊपर खड़े हुए व्यक्ति को कुछ नजर ही नहीं आ रहा होता। तो मेरे प्यारे साथियों, इस पर्टिकुलर क्षेत्र को जहां पर नदियां सामान्यतया, या फिर झरने कहूंगा मैं, नदियां इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि नदियां असंख्य नहीं होती हैं, ये झरने हैं जिनसे नदियां मिली हैं, तो नदी के जो स्रोत हैं जहां पर ये विलुप्त हो जाती हैं मेरे प्यारे साथियों, इन क्षेत्रों को हम तराई रीजन कहते हैं। हम सब करिए, क्षेत्र समझ में आ रहा हो तो तराई क्षेत्र किसे कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, पहाड़ के सबसे नजदीक जो हमें पत्थर वाला क्षेत्र दिखाई दिया वो तो भावर था, जहां भांटे पड़े थे। भावर के बाद जहां नदी विलुप्त हो गई, जहां दिखना बंद हो गई, वो तराई क्षेत्र कहलाता है। सामान्यतया ये क्षेत्र पथरीले होते हैं, लेकिन कई बार ये दलदली भी होते हैं क्योंकि यहां पर मिट्टी के नीचे भी पानी छुप जाया करता है, तो उसे हम तराई क्षेत्र कहते हैं। यहां पर कई बार मतलब दलदली क्षेत्र जैसी परिस्थिति भी बन जाती है। इतनी बात हमको समझ में आ जानी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद जब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो यहां से आगे फाइनली पानी उतर के मैदान में आ चुका होता है। जब पानी मैदान में आ चुका होता है और कभी आपने नदी को बहता हुआ देखा हो तो ऐसा नहीं संभव है कि आपने नदी के किनारों को नोटिस ना किया हो। आपने देखा होगा कि नदी के किनारे जो मिट्टी होती है ना, वो बड़ी साफ सुथरी सी होती है। अगर आप इस दृश्य को देखें तो ये समुद्र का पानी है, इसके बावजूद भी आप इस जगह को देखिए, यहां मिट्टी बड़ी साफ सुथरी सी है। आप सोचेंगे कि यार ये वाली मिट्टी को डालने कौन आया था? कॉमन सेंस लगाइएगा, समझ में सब आ जाएगा, इस मिट्टी को डालने कौन आया था? मेरे प्यारे बच्चों, इस मिट्टी को डालने कोई नहीं आया, इस मिट्टी को डालने कोई नहीं आया। ये मिट्टी इस पानी के द्वारा स्वतः लाई गई है। नदी के किनारे भी जहां पर आप जाकर के स्नान करते हैं, वो नदी के किनारे जहां प्रयागराज में कुंभ भरता है, वो जो मिट्टी है उसे किसी ने डाला नहीं है, वो मिट्टी नदी खुद लेकर के आई है। एकदम ताजा ताजा नदी है, मिट्टी है मेरे प्यारे साथियों। इस मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? थम्स अप करिए अगर बात समझ में आ गया हो तो। नदी के द्वारा जो एकदम ताजा मिट्टी लाई गई है उसे खादर कहते हैं। चूंकि मिट्टी पर्वत, अब एक सवाल बनता है, सर नदी में मिट्टी आई कहां से? बेटा मिट्टी जो है वो असल में पानी के जमीन के ऊपर से चलने पर जमीन की सतह को जो अपरदित किया गया था, डेन्यूडेशन किया गया था, अपरदन के माध्यम से जमीन की ऊपरी सतह को वो नदी बहाकर अपने साथ ले गई, तो वो जो अपरदन किया गया था ना उसके साथ मिट्टी बह के चली गई। और इसको करने के लिए रॉकेट साइंस नहीं है। आपको अगर कुछ भी ना मिले तो आज बाहर जाइए, एक बाल्टी पानी हाथ में लीजिए और जोर से अपने बाहर जो मिट्टी वाला क्षेत्र है वहां उस पानी को फेंक के देखिए, आपके जो जमीन पर मिट्टी है वो मिट्टी उस पानी के साथ बहकर आगे चली जाएगी। तो मिट्टी के पानी के कारण वो मिट्टी जो जमीन पर है वो सरकती है आगे, तो वो सरकती हुई मिट्टी धीरे धीरे आगे सेटल भी होती चली जाती है, क्योंकि नदी अपने साथ जो है वो इन चीजों को बहा तो ले जाती है लेकिन आगे चल के सेटल करती चली जाती है। अब सोच के देखो कि भाई इस प्रकार से, तो सर एक बात बताओ कि ये जो नदियां हैं इनके द्वारा बहुत सारी मिट्टी लाई जाएगी? मैंने कहा बिल्कुल लाई जाएगी। तो हर मिट्टी को ये किनारे पर लगाते चले जाएंगे? मैंने कहा बिल्कुल लगाते चले जाएंगे। तो सर नई वाली मिट्टी कहां मिलेगी? मैंने कहा भाई नई वाली मिट्टी मैं ही पूछ लेता हूं आप लोगों से। चलिए ये वाली स्थिति तो है, ए वाली स्थिति ये वाली है, बी वाली स्थिति, पोल में आंसर दे दीजिए। मतलब ये टूवर्ड्स जो पानी की तरफ वाला क्षेत्र है इसको तो मैं ए कह रहा हूं, और जंगल की तरफ वाला क्षेत्र है इसे मैं बी कह रहा हूं। आपको मुझे बताना है नई वाली मिट्टी, जो नई मिट्टी बनेगी वो कहां बनेगी, ए वाली साइड बनेगी या बी वाली साइड बनेगी? पोल में आंसर दे दीजिएगा, नई वाली जो मिट्टी है वो कहां बनेगी। बिल्कुल सही, 74% लोगों ने सही आंसर दिया है कि नई मिट्टी तो सर यहीं से लेके आई जाएगी ना, क्योंकि पानी मतलब जो नई मिट्टी, खादर की बात कर रहा हूं मैं, खादर जो पानी के द्वारा बहा के लाया जा रहा है वो इस क्षेत्र में लाया जा रहा है। जो खादर पुरानी हो गई वो तो सतह पर चलती चली गई। फिर से सुनिए क्या कह रहा हूं, भाई ये जो नदी थी जो बह करके जा रही थी अपने साथ बहुत सारी मिट्टी लेकर के आई थी,
साथ में जमाती हुई चली गई, ये साथ में जमाती हुई चली गई। मैं कह रहा हूं कि नदी के किनारे ये जो मिट्टी इसने जमाई है, ये देखिए इसने जो जमाई है, ये धीरे धीरे और मिट्टी आने से ये वाली तो इस तरफ सरक गई भाई, क्योंकि और मिट्टी भी तो आएगी, तो ये तो इस तरफ सरकना शुरू हो गई और नई मिट्टी इधर आना शुरू हो गई। नई मिट्टी बोले तो जो पानी के साथ बह करके आ रही है, बोले तो खादर, जो खादर आ रही है वो तो किनारे पर जम गई, और मेरे प्यारे साथियों इस खादर के अतिरिक्त जो मिट्टी थी वो ऊपर चली गई, यानी कि जो खादर पुराना हो जाता है। अब यहां से एक लाइन और निकल के आती है जो मेरे प्यारे साथियों ने अगर समझ ली हो, हालांकि मैं इस पे कमेंट पूछता और मुझे यकीन था कि अधिकांश विद्यार्थी उसका आंसर देते, पर कोई बात नहीं, मैं आपकी भाव समझ गया। जो खादर पुरानी हो जाती है उसे बांगर कहते हैं, थम्स अप कर दीजिए अगर आप भी यही सोच रहे थे तो, उसे हम क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। तो खादर जो पुरानी हो गई, जो साइड में चली गई, किधर की तरफ, इधर की तरफ, क्योंकि धकेल दिया। अरे सर, जब भी किसी लाइन में आप लगते हैं, वो लाइन जब लंबी होती चली जाती है तो आप भले कितने ही भी आगे खड़े हो धकेल दिए जाते हैं, तो वो खड़ी हुई जो चीज थी वो आगे धकेल दी गई। तो मेरे प्यारे साथियों जो खादर है तो पुरानी खादर क्या कहलाती है, बांगर कहलाती है। ठीक है बेटा, तो पुरानी खादर बांगर, खादर तराई रीजन और भाबर, ये सारे सवाल के पॉइंट बनते हैं जो आपको एक एक करके मैंने संरचना के आधार पर प्लेन्स के अंदर तरीके से पढ़ाने का बेहतरीन प्रयास किया है। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप लोगों के द्वारा ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी जो मैंने समझाने का प्रयास किया है। चैट ओपन कर रहा हूं, थैंक यू बोलना चाहो तो बोल देना। मजा आया। इसका एक बहुत बड़ा फायदा है, बहुत बड़ा फायदा यह है कि मैं अनइंटरप्टेड होके पढ़ाता हूं, अनइंटरप्टेड। और जो मैं आपको अभी पढ़ाया ना, लगभग 45 मिनट नॉन स्टॉप बोला हूं मैं पढ़ाते समय। मैं ये दावा कर सकता हूं कि यदि ऑफलाइन में कोई भी इस चीज को पढ़ाएगा, कम से कम 4 घंटे खाएगा, कम से कम 4 घंटे। पहले तो बोलना, फिर लिखवाना, फिर जो बीच में विद्यार्थी कहता है सर एक बार दोबारा बोलो, है ना। तो मेरा जो मतलब खुद का अनुभव रहा है, क्योंकि मैं ऑफलाइन का बहुत पुराना टीचर रहा हूं, 12 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते मेरे को अब, और ऑफलाइन में जो कंटेंट मैं पढ़ाता था ना 3-4 घंटे के अंदर, या कम से कम 2.5 घंटे अगर बहुत स्पीड में भी निकलता था, वो यहां पे 45 मिनट में आराम से खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो हमारा जो मतलब मोटिवेशन था पढ़ने का वो मजा आ गया। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सारी चीजें रिवाइज की जा सकती हैं, अब आप इनको एक बार दोबारा सुन लेना, ये सारा वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं, कई बार देख सकते हैं, तो आप एक बार इसको ध्यान से देख लेना, दोबारा समझ लेना, 10 बार समझ लेना, लगेगा कि मैं ही बोल रहा हूं, ठीक है ना। हाँ जी, तो अब ये सारा कंटेंट आप कल पढ़ के आएंगे, यहां वाला जो कंटेंट है मैं आपको ये दे रहा हूं, एक बार पढ़ के आना, जो भी बातें मैंने बोली देखिए ये सब रहा, बाबर तेराई बांगर खादर रिवर वैली, ये नदी है, ये खादर हो गया, ये बांगर हो गया, ये तराई हो गया, ये भांटे वाला भाबर हो गया। मैंने याद कर रहा हूं, देखो पत्थर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये रहा भाबर, दिखाई दे रहा है, ये भाबर हो गया, ये तराई रीजन हो गया जहां नदी विलुप्त हो गई, नदी यहां आ गई, नदी बह रही है तो खादर ताजा मिट्टी हो गई, बांगर खादर, ये अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीजें, और क्वेश्चंस की चिंता मत करो, इस पर क्वेश्चन के लिए जो मॉर्निंग वाली अपनी स्पेशल क्लास है ना, उसमें मैं आपको इस पर खूब सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, इंडियन ज्योग्राफी पे, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इन सब पे। और कल जो है, हाँ भाई सुन लीजिए, सुबह 10 बजे आप लोगों का टेस्ट है अफ्रीका वाले पोर्शन का, दोबारा सुन लीजिए क्या बोल रहा हूं, A4 में रिवर अपडेट सेक्शन में डाल दिए हैं बेटा मैंने, है ना, अपडेट सेक्शन में डाल दी है A4 में रिवर, और उसके बाद वाला फिर डाल दूंगा, है ना। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा कि बुलवा दिया यार, हाँ कल अफ्रीका का टेस्ट है, थम्स अप कर लो, सुन लिया हो आप लोगों ने, जी हाँ अफ्रीका कॉन्टिनेंट का टेस्ट है, सुबह 10 बजे टेस्ट है, कंट्री का टेस्ट भी है उसमें और ज्योग्राफी का टेस्ट भी है, मिक्स टेस्ट है वो, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए ही असल में वो सारे काम कर रहा हूं मैं, अभी स्पेशल क्लास के माध्यम से जिन बच्चों को एक्स्ट्रा जानकारी मिल जाएगी वो तो बेहतर है, लेकिन आप लोगों का टेस्ट हो जाएगा वो, ठीक है बेटा। चलिए बहुत बढ़िया, मजा आ गया सभी को, फिर मिलते हैं आप सभी से।